हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे एक पहले वीडियो आई थी कुछ दिन पहले, जिसमें मैं आपको बताया गया था भी पुराने से पुराने फोटो वीडियो जो आपके फोन से डिलीट हो गया है, या किसी वजह से आपका फोन फॉर्मेट हो गया है, या फोन टूट गया है, उसको कैसे रिकवर कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने उसको प्यार दिया, बहुत सारे लोगों का कमेंट आया सर वर्क नहीं कर रहा, तो इसके लिए मैंने और मेहनत की, इसका और सोल्यूशन निकालने के लिए, तोड़ निकालने की मैंने कोशिश की है, जो बिल्कुल सक्सेस निकला है, जो आपके साथ मेरा मन किया भी आपके साथ इसको मैं शेयर करूं। तो आज की वीडियो इसी पर्पज पे है भी, आपका जो पुराना वीडियो है या कोई फोटो है बहुत साल पहले का है, जो किसी कारण से डिलीट हो गया या फोन ही आपका गुम हो गया, तो आप उसको कैसे रिकवर कर सकते हो। फोन में फ्रेंड ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी होती है, ऐसे बहुत सारे सिस्टम होते हैं जिसका हमें थोड़ा ज्ञान करना पड़ता है, उसके बारे में हमें थोड़ी नॉलेज लेनी पड़ती है। चलो फ्रेंड, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ मेरे फोन में आज कितनी है, मतलब 2021 चल रहा है, 2010 तक की मैं आपको फोटो या वीडियो आपको रिकवर करके दिखाने वाला हूँ लाइव, आप मेरे साथ बने रहो। ठीक है फ्रेंड, चलो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ, मैं अपने फोन पे आ गया हूँ। ठीक है फ्रेंड, इसके लिए आपने क्या करना है, देखो फ्रेंड, बार बार फोन में ईमेल आईडी चेंज मत करो, सिर्फ एक ईमेल आईडी से आपका फोन यूज करो। मान लो आपका फोन टूट गया, उस ईमेल आईडी को और पासवर्ड को नोट करके रखो, नया फोन खरीदते हो तो उसमें ऐड कर दीजिए। फोन चाहे आप 10 चेंज कर दो, चाहे 20 कर दो, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपकी ईमेल एक ही होनी चाहिए। मैं 2010 से सिर्फ एक ही ईमेल आईडी यूज कर रहा हूँ, और उससे उसके बाद मैं दिखाता हूँ जो भी चीज हमारे उसमें होती है फोन में, हम वीडियो बनाते हैं, कोई भी फोटो आती है, वो क्या करता है, गूगल ऑटोमेटिकली बैकअप देता रहता है अपने फोटो में। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, लाइव दिखाता हूँ, जहाँ एक फोटो नाम की एप्लीकेशन होती है। ठीक है फ्रेंड, इसको मैं ओपन करता हूँ। ठीक है फ्रेंड, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन ऑन कर ली है, पहले मैंने बंद कर ली थी। ठीक है, अभी ऐसे है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर ली है, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन सी फोटो हमारे फोन में सेव है और कैसे आप उसको ऑन कर सकते हो, कैसे ऑफ होती है, जी पूरा इन डिटेल में बात करने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड, देखो मैं बाहर आता हूँ, मैं दोबारा आपको दिखा दूँ, जो फोटो नाम का एप्लीकेशन आप सभी के एंड्रॉइड फोन में होता है, इसको आप एक्टिवेट करके रखो। एक्टिवेट करने के लिए इसमें देखो ईमेल आईडी लगी रहती है, तो ये फोटो का ऑप्शन रहता है। कई बार जहां पे क्या होता है, जो बैकअप वाला है, जैसे फोटो सेटिंग में जाएंगे तो सिंक और बैकअप पे जाएंगे, तो जहां पे बैकअप एंड सिंक जहां से ऑफ रहता है, अगर आपके फोन में ऑफ है तो जहां से आप इसको ऑन करके हो, नहीं तो बाय डिफॉल्ट ऑन होता है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आप थोड़ा अगर बैक जाएंगे तो जहां पे आपके फोन में जबकि वीडियो बनी है, या जब से आप ईमेल आईडी यूज कर रहे हो तब से आपके फोन में ये पूरा बैकअप रहता है। देखो मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके दिखाता हूँ, ये देखो सितंबर 13 जून 2020 की है, और मैं साल टू साल बाद मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ भी कितनी पुरानी ये वीडियो या फोटो सेव करके रखता है। मैं थोड़ा और पीछे चलता हूँ, ये 7 अप्रैल 2020 की है, थोड़ा मैं और पीछे चला जाता हूँ, ये 20 मार्च 2020 की ये फोटो है, आप देख रहे हो फ्रेंड कितनी, ये दिसंबर 2012 की भी फोटो है जो इसमें है, या फ्राइडे 2014 की, 11 नवंबर 2014, मतलब कितनी फोटो आप देख रहे हो, मतलब कि कब की, ये देखो लास्ट जो मेरे फोन में फोटो है जनवरी 2010 की है। इसका बस एक ही रीजन है भी, आप ईमेल आईडी को चेंज मत करो, अगर आप ईमेल आईडी चेंज करते हो तब आप इसको रिकवर नहीं कर सकते। आप अगर ईमेल आईडी अभी आपने और लगा ली है, लेकिन जो आपका फोन गुम हुआ उसकी ईमेल आईडी कोई और है, ठीक है, तो इसको मैं रिकॉर्डिंग को बंद कर देता हूँ, मैं आपको थोड़ा और डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो भी आपने 2 साल या 10 साल पहले कोई ईमेल आईडी यूज करा है, उसका ईमेल आईडी का पासवर्ड आपको पता है, या ईमेल आईडी आपको याद है, लेकिन अभी आपने क्या रिसेंट क्या किया, नया फोन ले लिया, लेकिन उसकी ईमेल आईडी आपने दूसरी लगा दी है, अभी आप चाहते हो भी मैं 10 साल पहले की वीडियो और फोटो को रिकवर करूं, तो आपने सबसे पहले अपने फोन में वही ईमेल आईडी और पासवर्ड लगाना है जो 10 साल पहले या 5 साल 4 साल पहले आपने लगाया था। लगाने के बाद फोटो नाम का एप्लीकेशन होगा, वहां से आप उसको एक्टिवेट कर दीजिए, जैसे एक्टिवेट हो जाएगा उसके बाद आप देख पाओगे भी आपकी पूरी की पूरी फोटो और वीडियो आपको वापस मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड, अगर आपका और इसके रिलेटेड और भी कोई कंफ्यूजन है तो मुझे नीचे कमेंट करना है, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद है, पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।